4 घंटे हो गए, 4 घंटे से अभी तक कोई भी नहीं आया, एक भी ग्राहक नहीं आया। 4 घंटे हो गए। हाँ जी। हेलो भैया। हेलो भैया। हाँ जी भैया। कैसे बैठे हो भाई? बस भैया, रात में चावल की आज फर्स्ट डे दुकान लगाई है। क्या बोल रहे? फर्स्ट डे राजमा चावल की दुकान लगाई है अभी। अच्छा, राजमा चावल बेच रहे हो आज? हाँ जी भैया। पहला ही दिन है? पहला ही दिन है भैया आज। यार हम देख के आ गए, आप ऐसे सुस्त से बैठे यार, थोड़ा जोश में रहो यार, ऐसे कैसे कौन खाने आएगा यार, आप तो एकदम ऐसे बैठ गए। 4 घंटे हो गए, 4 घंटे से अभी तक कोई भी नहीं आया, एक भी ग्राहक नहीं आया। 4 घंटे हो गए। हाँ जी। खिलाओगे हमें कुछ? हाँ भैया, क्यों नहीं खाओगे। हाँ यार, आप खड़े भी नहीं हो रहे, क्या चीज़ है ये? राजमा चावल है भैया, घर के खुद के बने हुए चावल है। आपने बनाए? हाँ जी, मैंने ही बनाए। अच्छा, मदर का हाथ होता है? मदर का हाथ है। हाँ जी। क्या बात है, माँ का हाथ तो है ही है, बेटे के साथ माँ तो हमेशा ही रहती है दुआओं में भी। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें भाई बैग में दिखाओ भैया? वैसे तो राजमा चावल है, और आज घर से रायते का भी मैंने रखा था। ये देखो, बूंदी का पैकेट वगैरह सब कुछ लेके आया था भैया, चटनी वगैरह। अच्छा अच्छा, रायते के लिए, पर मैं कुछ भी बनाया। कितने की लगाई फिर प्लेट भैया? 30 रुपए की फुल प्लेट लगाई है। 30 में फुल? हाँ जी भैया। यार पेट ही भर जाएगा भैया, यहाँ पे रिक्शे वाले भी हैं अभी फर्स्ट डे, इसलिए इनको भी नहीं पता। अच्छा अच्छा। मैं लोगों के काम के लिए लगाया, क्योंकि हर बंदा आता है, जो भी जो रिक्शे वाले हैं वगैरह, वो 30 रुपए के हिसाब से वो खा भी लेंगे पेट भर खाना। पर जो कोई ऊपर का बंदा आता है, उनको चाहिए तो 50-60 दुकानों में जाएंगे, पर ये रिक्शे वाले दुकानों में जा नहीं सकते। सही है, इन्हीं के लिए हमने इस हिसाब से लगाया। तो आपने कैसे सोचा भाई ये, मतलब हम ये करें भैया? बस, और पहले ही दिन हम आ गए आपके। पहले दिन ही आप आ गए भैया। क्या बात, लगाओ एक प्लेट लाओ, देखते हैं भाई। क्या फुल प्लेट लगाऊंगी आप ले? आप कितने की है? आप 20 की है, फुल 30 की है। आप ही लगा दो, वैसे खाना खा रखा हमने, पर आप बैठे थे ना, तुम देख के आ गए यार। चलो भैया, कुछ ना कुछ तो भेज रहे हैं ये। देखो भाई, अभी तो पहला ही दिन है, एक्सपीरियंस भी शायद कमी है, इतना नहीं है भाई को। घर के खुद के बने हुए राजमा चावल है भाई। ये तो मम्मी ने बनाया लग रहा है, आपने तो नहीं लगाया हाथ भैया? मम्मी बनाती है, साथ में हाथ तो लगाने ही पड़ता है। हां समझ गया, आप लगाना भैया। आप लगाऊंगा? हां ओके भैया। ये राइस है, जीरे राइस है, मतलब एक तरह से। हां जी भैया। पंजाबी खाना है भैया? पंजाबी खाना है? पंजाबी खाना वो तो है ही है। हां जी भैया। ये राजमा, क्या बात है भाई, कितने कस्टमर आए अभी तक भैया? अभी तक तो एक या दो ही प्लेट लेके है। अच्छा। हाँ जी भैया। कब के आए, कितना टाइम हो गया? बस आज से 1 घंटा पहले थे, एक भैया भी खा के रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पूरा बैग लेके घूमते हैं, ये इनकी दुकान है पूरी भाई। ये भैया क्या बात है, ये कितने की है? ये 20 रुपए की भैया। भाई 20? भाई घाटा चल जाएगा यार, ऐसा मत करो आप भैया, इसमें बहुत ज्यादा दे रहे हैं आप यार। भैया बस 20 रुपए में बंदों का पेट भर जाए, वही अच्छी बात है। अच्छा। हाँ जी भैया। क्या ऐसी बड़ी समस्या आ गई जो आप मतलब अकेले ही निकल लिए, ले झोला के कुछ करना है जिंदगी में? भैया बहुत काम करके देख लिया, गाड़ियों का काम करा था मैंने, पर गाड़ियों का काम में अब क्या नाम है, बिल्कुल ही जैसे डल हो गए जिस पार्टनर के साथ धोखा खाने के बाद, सिर्फ ये खाने का काम ही दिखा, जो खाने के काम में थोड़ा प्रॉफिट है। सबसे अच्छी बात तो हमें ये लगी आपकी कि मतलब आप अकेले बैठे थे और आपके चेहरे पे स्माइल है यार, ये सबसे बड़ी बात होती है यार, हमको भी मोटिवेशन मिलता है यार। नहीं यार देखो, अकेला बंदा हंस भी रहा है और माल भी नहीं बिका भाई का, तो आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। अभी भाई हम ट्राई कर लेते हैं, हम भी रिव्यू दे देंगे कैसा माल। ठीक है, पहला ही दिन है, 19-20 तो चल जाएगा, लेकिन एकदम ही ख़त्म है तो आपको बता देंगे भाई क्या करना है। खाली आपका खाना? बस कैसा लगा भी आपका खाना? खाना मस्त लगा यार, जो 20 रुपए में आपने चीज़ें दी ने, एक तो क्वांटिटी क्वालिटी और थोड़ा हाइजीन भी आपका बढ़िया, सारी चीज़ें। कुछ उसमें कोई कमी पेशी बताओ? कमी तो मतलब फर्स्ट डे है, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। थोड़ा क्या, मुझे स्पाइसी खाता हूँ मैं। आप स्पाइसी खाते हैं? हाँ, तो मुझे थोड़ा वो लगा बस थोड़ा, बाकी चीज़ें सही है एकदम। जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं सारा सामान नहीं लेके आया, वरना थोड़ा स्पाइसी भी मिलता आपको चटनी वगैरह रखने के लिए। क्या बात, अब अगली बार नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम पक्का रखेंगे। अच्छा। हाँ जी भैया। क्या बात, ये लो कितने हुए आपने भैया? 20 रुपीज़ हुए। ये लो, ये एक भैया। सुनो ये रख लो सारे ही। नहीं नहीं भैया, भाई ये हम मोहब्बत में दे रहे, बड़ा भाई समझ के रख लो यार, आप बैठे थे, हम किसी को नहीं देते ऐसे। एक तो खाना अच्छा लगा, ठीक है, और दूसरी बात आपकी स्माइल है, आप अकेले बैठे थे फिर भी हमें मजा आ गया, तो ऐसे बड़ा भाई समझ के। बाकी यार 150 से कुछ नहीं होता आप जानते, बस हम थोड़ा सा खुश हो जाते यार, हम किसी भाई से मिले, हमें अच्छा लगा तो हमने बस, समझ गए, ऐसे रख लो यार हमारी तरफ से। ठीक है? ठीक है भैया। क्या बात है भाई, बाकी मेरी तरफ से कोई आएगा तो भूखा उसको पक्का खिलाऊंगा मैं अभी। भाई क्या बोल रहे? मेरी तरफ से कोई वैसे आएगा जरूरतमंद खाने के लिए, जो भूखा होगा उसको पक्का खिलाऊंगा। अच्छा भाई, ये सोच आपको बहुत आगे ले जाएगी, सच बता रहा हूँ, ऐसा सोच के चलोगे मतलब कोई भी भूखा नहीं सोए। हाँ जी भैया। अब यार भूखा क्या यार, 20 रुपए में आप इतना बढ़िया दे रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ जी। तो व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? व्यूअर्स के लिए यही बोलना चाहूँगा कि हमारे भैया जो बहुत अच्छे हैं, और मेरे लिए आप हमारे पास जरूर आएँ, हमारा खाना खाएँ, और एक बार टेस्ट करके बताएँ कि हमारा कैसा लगा खाना। क्या बात है, एड्रेस बता दो एक बार पूरा। तिलक नगर
चार नंबर तिलक नंबर गेट है मेट्रो स्टेशन का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और मेरा खाना खा के लें। क्या बात है भाई। तो भाई वीडियो को इतना शेयर कर दो कि भाई एकदम टूट पड़े लोग यार, बस अकेला बंदा मेरा। आज सुबह से इनके 3-4 प्लेट भी किए, टेस्ट बढ़िया लगा एकदम, लेकिन आज पहला दिन है, धीरे धीरे हो जाएगा भाई, आएंगे लोग आपके पास जरूर आएंगे। टेस्ट तो बताओ खा के कैसा है? बढ़िया है। अरे खाओ तो सही ऐसे वैसे है के दम के वैसे ही है? नहीं नहीं बढ़िया सर। अच्छा तो भाई एक बार स्माइल कर दीजिए बढ़िया सी। ये देखिए भाई, कुछ कस्टमर आप भी ले आया करो ढूंढ ढूंढ के, कोई ऐसा मिल जाए कि भाई। अरे भाई 20 रुपए में बहुत बढ़िया दिया भाई ने। अरे और का बढ़िया चीज बनाते हैं। तो इनका कैसे चल रहा है काम? काम सब अभी तो हल्का चल रहा है। हल्का है? अब पहला ही देने ना इसलिए। हाँ, हाँ।